नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 5:25 तक रहेगी। आज सुबह 10:51 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 7:54 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज रात 9:42 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 फरवरी की सुबह 6:41 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाली योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:42 से शुरू हो चुका है और सुबह 7:54 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 फरवरी की सुबह 7:06 से दोपहर पहले 11:17 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 12 फरवरी की सुबह 7:03 से सुबह 8:38 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 8 फरवरी की सुबह 7:26 से दोपहर पहले 11:17 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 7 फरवरी की सुबह 7:30 से दोपहर पहले 11:58 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:53 से रात 8:46 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 29 फरवरी की सुबह 6:47 से सुबह 7:31 तक, और एक बार फिर सुबह 8:56 से सुबह 10:22 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 10 फरवरी की सुबह 8:46 से सुबह 10:02 तक, और एक बार फिर सुबह 10:11 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 10 फरवरी के रात 9:29 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, धनु और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:29 से सुबह 9:51 तक। मुंबई सुबह 8:37 से सुबह 10:02 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:33 से सुबह 9:54 तक। लखनऊ सुबह 8:12 से सुबह 9:35 तक। भोपाल
सुबह 8:23 से सुबह 9:46 तक, कोलकाता सुबह 7:38 से सुबह 9:02 तक, अहमदाबाद सुबह 8:42 से सुबह 10:05 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 8:02 से सुबह 9:29 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है उत्तर पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी, आज आप जो भी काम शुरू करेंगे वो सफल होगा, आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा, कोई रिश्तेदार आज आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुझाव देगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बड़े बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है, आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे, आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करने पर विचार करेंगे, आज आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है, कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा, विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है, आज घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा, ऑफिस के सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जूनियर आपसे काम सीखना चाहेंगे, लवमेट के साथ रिश्तों में सुधार आएगा, आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा, आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है, नव विवाहित दंपति के बीच आज मीठी नोकझोंक होगी, इससे रिश्तों में और मिठास आएगी, आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है, आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज पूरे दिन भाग्य आपके साथ रहेगा, आज किसी अनजान व्यक्ति के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा, लवमेट आज अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताएंगे, घर वाले इस पर विचार भी करेंगे, इस राशि के केमिस्ट शॉप वाले लोगों को अच्छा मुनाफा होगा, आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाने की योजना बनाएंगे, महिलाएं आज रसोई घर में व्यस्त रहेंगी, दाम्पत्य जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी, आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है, आपको सरकारी कामों में कुछ लोगों से राय मिलेगी जिससे आपका काम आसान हो जाएगा, आपका कोई पुराना दोस्त आपको फोन करके सरप्राइज देगा, आपकी किसी जरूरी बात पर घर वाले सहमति जताएंगे, तरक्की आज आपके कदम चूमेगी, आपको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आज कई मौके मिलेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अच्छी खबर मिलेगी, लवमेट के लिए दिन अच्छा है, आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा, आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, घर पर ही परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यों का आयोजन करेंगे, आज आपकी तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे, ऑफिस के काम को थोड़ा संभल कर करने की जरूरत है, कोई आपके काम की शिकायत कर सकता है, आज किसी से भी उलझने से आपको बचना चाहिए, बच्चों का आज पढ़ाई में मन लगाने की जरूरत है, आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको किसी अपने से कोई अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं, आज आप अपने घरेलू कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे, आज आपके सकारात्मक रवैये से जीवन साथी प्रसन्न रहेंगे, जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे,
मार्केटिंग की जॉब कर रहे लोगों से आज कोई अच्छा क्लाइंट जुड़ेगा जो भविष्य में अच्छा धन लाभ करेगा। किसी नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन जीवन में मील का पत्थर साबित होगा। आज व्यापार में किसी ऐसी कंपनी के साथ डील फाइनल होगी जो आपको उम्मीद से अधिक फायदा कराएगी। वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कोई नया केस हाथ लगेगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी, जीवन साथी के साथ कोई अच्छी मूवी देखने का मन बनाएंगे। आज अपने दोस्त की किसी बात का बुरा न माने, दोस्ती मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपको किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने की आवश्यकता है। आज बिना सोचे समझे किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। इस राशि के छात्रों को आज ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किसी विषय को समझने में आपको अपने सहपाठियों से सहयोग मिलेगा। आज पड़ोसी अपने आपके कार्यों को पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे, इससे पड़ोसियों के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपकी हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। ऑफिस में आप किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी बेहतरीन राय देंगे। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे। आज आप लेखन कार्यों में रुचि लेंगे, आपका लेखन और अच्छा होगा। आज आपकी बातें दूसरों पर प्रभाव डालेंगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा, समाज में आपका नाम ऊंचा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। बेटी के ससुराल पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। बच्चे आज अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस रहेंगे। आज आपके घर नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। आज आपकी धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को फल दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप कार्यस्थल पर शांत होकर कार्य करेंगे तो काम आसानी से पूरे होंगे। मूलांक 2, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपकी कोई बनाई हुई योजना पूरी होगी। मूलांक 3, जीवन साथी से आप खूब सारी बातें करेंगे, दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। मूलांक 4, आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है जिससे आप पूरा दिन खुश रहेंगे। मूलांक 5, फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 6, पैसों और अपने कीमती सामान को आज संभाल कर रखने की जरूरत है। मूलांक 7, पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी जिससे आप काफ़ी शांति महसूस करेंगे। मूलांक 8, करियर में कुछ बदलाव होने वाला है, जल्द ही आपको तरक्की की कोई नई किरण नजर आएगी। मूलांक 9, अपने गुस्से पर काबू रखें और परिवार में सभी लोगों से प्यार से बातचीत करें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे छोटे पौधों के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा हमेशा पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य कोण की ओर बढ़ती है। इसलिए उत्तर पूर्व में कम घने और छोटे पौधे लगाने चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा के आने में अवरोध न उत्पन्न हो। घर के पूर्व दिशा में फूलों के पौधे, घास और मौसमी पौधे लगाने से घर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में इतनी चर्चा छोटे पौधों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर जरूर लाभ उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 5:25 तक रहेगी। आज सुबह 10:51 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन,
या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज सुबह 7:54 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से ज्येष्ठा 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठा का ज्येष्ठ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है। पेड़ पौधों में ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध चीड़ के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ध्रुव योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की, और अब बात करेंगे मंगल के मकर राशि में प्रवेश की। आज रात 9:42 पर मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च की शाम 6:09 तक मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जबकि संस्कृत में इसे अंगारक यानी जो लाल रंग का हो भौम भी कहते हैं। मंगल एक पुरुष ग्रह है और ये दिन के समय अधिक प्रभावशाली रहता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर मंगल बाकी ग्रहों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। राशियों में मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के होते हैं। जनपत्रिका में 4th और 8th भाव का मंगल अशुभ होता है, वहीं अन्य भावों में मंगल की स्थिति शुभ होती है। यूनानी ज्योतिष के अनुसार मंगल का शनि से बैर है, परंतु ये भी सच है कि शनि मंगल से शत्रुता नहीं करता। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा और गुरु मंगल के मित्र हैं, बुध और केतु इसके शत्रु होते हैं, जबकि मंगल के साथ राहु ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता, वो मौन रहता है। जनपत्रिका में मंगल के शुभ होने पर यह व्यक्ति को शक्तिशाली और साहसी बनाता है। वही जनपत्रिका में मंगल अच्छी स्थिति में न होने पर यह व्यक्ति को समाज के विरुद्ध कार्यों के लिए प्रेरित करता है। वैसे तो मंगल सही मार्ग पर चलने वाला और सच्चाई का साथ देने वाला ग्रह है, लेकिन सही के साथ सही और गलत के साथ ये गलत है। लिहाजा मंगल के इस गोचर के दौरान विभिन्न राशि के लोगों पर क्या प्रभाव होगा, मंगल उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में शुभता सुनिश्चित करने के लिए और अशुभता से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके कदम जहां भी जाएंगे वहां तरक्की ही तरक्की होगी। आपका गृहस्थ जीवन सुखी होगा। इस दौरान कोई प्रशासनिक कार्य पूर्ण होगा। आपके तथा आपके पिता के करियर में बदलाव आएगा, लेकिन ध्यान रहे अगर आपके घर में सोना रखा है तो इस दौरान उसे लॉकर में रखवाना ही उचित होगा। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए चूल्हे पर दूध उबालते समय ध्यान रखें कि दूध उबलकर बर्तन से बाहर न गिरे। वृष राशि वालों, मंगल का ये गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। जनपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। मंगल के इस गोचर से आपको हर तरह का सुख मिलेगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वहीं बड़े भाई का साथ आपकी किस्मत के सितारे को और भी बुलंद कर देगा। इस दौरान शस्त्र, चिकित्सा और कृषि के व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं उन्हें किसी अन्य पद की प्राप्ति भी हो सकती है। अतः मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए भाइयों को जब भी जरूरत पड़े तो उनकी सहायता जरूर करें। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपका जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन 8वें स्थान का मंगल आपको 15 मार्च तक अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। दरअसल जनपत्रिका में पहले, 4th, 7th, 8th या 12th स्थान पर मंगल के होने से
जातक मांगलिक कहलाता है। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात का पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक दोष से बचने के लिए जब रोटी सेकने के लिए तवा रखें तो उसके गर्म होने पर पानी के छींटे मारने के बाद रोटी सेकें। कर्क राशि वालों, मंगल आपके सातवें स्थान पर गोचर करेगा। जन्म पत्रिका के सातवें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन साथी के साथ रिश्ते में तालमेल बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी। सातवें स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको भी 15 मार्च तक के लिए टेम्परेरी तौर पर मांगलिक बना देगा। अतः अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक दोष से बचने के लिए 15 मार्च तक बांस से बनी कोई भी चीज़ घर में लाना अवॉइड करें। सिंह राशि वालों, मंगल आपके छठे स्थान पर गोचर करेगा। जन्म पत्रिका के छठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल के इस गोचर से समाज के कुछ अच्छे लोगों से फायदा होगा, जिसका फायदा आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। मंगल का ये गोचर आपके भाइयों और दोस्तों के लिए भी शुभ संकेत लेकर आया है। 15 मार्च तक आपको आग से बचना चाहिए। लिहाजा मंगल के अच्छे फल सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार के दिन अपने भाई या भाई समान किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर करें। कन्या राशि वालों, मंगल आपके पांचवें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के पांचवें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। मंगल के इस गोचर से आपको संतान का सुख मिलेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आपको गुरु का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही 15 मार्च तक आप जो भी काम करेंगे उसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखें, अतः मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए रात के समय सिरहाने पर पानी का बर्तन रखकर सोएं और छोटे बच्चों को दूध गिफ्ट करें। तुला राशि वालों, मंगल आपके चौथे स्थान पर गोचर करेगा। जन्म पत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन और माता से है। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा और माता का सहयोग मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को मांगलिक बनाता है। अतः चौथे स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 15 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। वहीं अगर आप विवाहित हैं तो इस बात पर भी ध्यान दें कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो मंगल के टेम्परेरी मांगलिक दोषों से बचने के लिए सुबह उठकर सबसे पहले पानी से कुल्ला करें। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेगा। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे भाई, बहन, पराक्रम तथा यश से है। मंगल के इस गोचर से आपका गृहस्थ जीवन ठीक रहेगा, आप दूसरों के हर संभव मदद करेंगे। 15 मार्च तक आपकी तरक्की भी इस बात पर डिपेंड करेगी कि दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। अगर आप अपने स्वभाव में नम्रता बनाए रखेंगे तो इस दौरान भाई बहनों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ भी मिलेगा, लेकिन इस दौरान ध्यान रहे कि किसी भी से कर्ज न लें। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में शहद का दान करें। धनु राशि वालों, मंगल आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेगा। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। मंगल का ये गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा, लेकिन आया हुआ पैसा अधिक समय तक आपके पास नहीं टिकेगा। भाइयों से जितना अधिक प्यार बनाकर रखेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे संतान का पूरा सुख आपको मिलेगा, अतः मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए भाइयों को
जब भी जरूरत हो उनकी मदद करें। मकर राशि वालों, मंगल आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेगा। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। मंगल के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के साथ ही लोहा, लकड़ी, मशीनरी आदि का काम कर रहे लोगों को भी आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बार फिर से बता दूं कि जन्म पत्रिका के 4th, 7th, 8th और 12th स्थान पर मंगल उपस्थित होकर जातक को मांगलिक बनाता है। अतः आपके पहले स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 15 मार्च तक टेम्परेरी रूप से मांगलिक कहलाएंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या बारहवें जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक, वरना आपको सतर्कता से मंगल के इस गोचर के उपाय करने चाहिए। तो मंगल के टेम्परेरी मांगलिक दोष से बचने के लिए मंदिर में कपूर या दही का दान करें। कुंभ राशि वालों, मंगल आपके 12th स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12th स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। मंगल के इस गोचर से आपके पास धन की कमी नहीं होगी और आपको शैया सुख मिलेगा। साथ ही ये भी जान लीजिए कि जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें और आठवें घर की तरह 12th घर में भी मंगल की प्रेजेंस जातक को मांगलिक बनाती है। अतः 12th स्थान पर मंगल का ये गोचर 15 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से आपको मांगलिक बना देगा। अगर आप विवाहित हैं तो इस बात पर भी ध्यान दें कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12th जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक दोष से बचने के लिए कुत्ते को मीठी रोटी डालें और 15 मार्च तक खाकी रंग की टोपी या पगड़ी से सिर ढक कर रखें। मीन राशि वालों, मंगल आपके 11th स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 11th स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर से आप साहसी और न्यायप्रिय होंगे। आध्यात्मिक विचारों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। 15 मार्च तक आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी होगी। साथ ही पशुपालक और व्यापारी वर्ग को भी कई तरह के फायदे मिलेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। अतः मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए अपनी बेटी के पति और बच्चों को चादर गिफ्ट करें। तो ये सारी चर्चा थी आज मंगल के मकर राशि में गोचर की। मंगल के इस गोचर के दौरान अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राशि वालों को कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इस सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज घर से बाहर निकलने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर जरूर जाएं, बिगड़े काम बनेंगे। B, आज कोशिश करें कि सबसे अच्छा व्यवहार बनाकर चल रखें जिससे लोग आपकी मदद के लिए तैयार रहें। C, आज की शादी समारोह में जाने का मौका मिलेगा, पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। D, आज किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी, व्यापार में अचानक धन लाभ होने की संभावना है। E, आज संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपको संतान पर गर्व भी होगा। F, आज आपके राजनीतिक कार्यों में पहचान बढ़ेगी, लोगों से रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। G, आज का दिन अच्छा रहेगा, रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिलेगा। H, बेहतर होगा आज किसी भी काम को समय रहते पूरा कर ले, वरना देरी करने से काम रुक सकता है। I, व्यावसायिक क्षेत्र में बदलाव होने की संभावना है, कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। J, स्वास्थ्य पर मौसम का थोड़ा असर पड़ सकता है, बाहर जाते समय अपना ध्यान रखें। कि आपका भाग्य आपके साथ रहेगा, नए कार्यों में सफलता हासिल होगी। L, आज बड़े बुजुर्गों के साथ शाम का समय बीतेगा, उनसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। M, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, एक दूसरे को गिफ्ट करना अच्छा रहेगा। N,
करियर में उन्नति के लिए योजना बनाएंगे, किसी नए कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। ओ, आज हर काम को सोच विचार कर करने की आवश्यकता है, आसानी से सब कामों का निपटारा हो जाएगा। पी, आज लवमेट्स के लिए दिन अनुकूल है, फेवरेबल है, आप कहीं घूमने जाने का प्लान करेंगे। क्यू, ऑफिस में वातावरण अच्छा रहेगा, आपका काम आसानी से पूरा हो जाएगा। आर, आज घर के काम में मन लगेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। एस, आज किसी दोस्त के साथ बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, वहां आपकी पुराने दोस्तों से भी मुलाकात होगी। टी, आज बच्चों का प्यार और दुलार मिलेगा, उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। यू, आज व्यापारियों का बिजनेस से रिलेटेड काम अच्छा रहेगा, आज कोई बड़ा फायदा भी होगा। वी, आज आपका घर मेहमानों से भरा रहेगा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। डब्ल्यू, आज आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता जरूर हासिल होगी। एक्स, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है, अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। वाई, आज विज्ञापन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ा ऑफर मिलने के आसार हैं, मन प्रसन्न रहेगा। जेड, आज पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, आज परिवार के लोग आपसे खुश रहेंगे। और अब बात आज की तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के बांसवाड़ा में, जहां स्थापित है पहली शताब्दी का एक पवित्र मंदिर, माँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर। राजस्थान में बांसवाड़ा से लगभग 16 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव में ये मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों देवियों का एकीकृत रूप है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पहले शक्तिपुर, शिवपुरी और विष्णुपुरी नाम के तीन दुर्ग होते थे, जिनके बीच में माँ का ये विग्रह स्थापित होने की वजह से माँ त्रिपुर सुंदरी कहलाई। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में पांचाल समुदाय ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जो आज भी मंदिर की व्यवस्था का कार्यभार संभालते हैं। तो आप भी कीजिए इस प्राचीन और पौराणिक मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे अंगूठे के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के अंगूठे के नाखून के निचले हिस्से में अर्धचंद्र जैसा सफ़ेद निशान होता है, उनकी विल पावर बहुत अधिक होती है। ये लोग किसी कार्य को शुरू करते हैं तो ख़त्म किए बिना नहीं रुकते, जो ठानते हैं उसे पूरा करके ही रुकते हैं। अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र सुख संपदा, भोग विलास, अभिनय आदि का कारक होता है, इसलिए ऐसे लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और एक्टिंग के क्षेत्र में ये लोग खूब नाम कमाते हैं, समाज में इनका खूब मान सम्मान होता है। सामुद्रिक शास्त्र में इतनी चर्चा अंगूठे के नाखून पर अर्धचंद्र के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 फरवरी को माघ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज शाम 5:25 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 4:08 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली शुभ दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को पढ़ने का सामान जैसे नोटबुक, किताब आदि गिफ्ट करें। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।